రోజం రోజాంతం కురంతం కేతం జయ హో. దోస్తో, ఈ వీడియో థోడీ సీ ప్రాక్టికలీ సమజానే కే లియే ఆప్కో బనాయి హై మేనే. जो साक्षात देवते देवता होते हैं वो तंत्र के प्रथम जो सीढ़ी होती है वो सूर्य होते हैं. सूर्य और गणेश ये प्रथम और साक्षात देव हैं. ठीक है, साक्षात देवों में सूर्य की जो श्रेणी आती है प्रथम में आती है, और जो प्रथम पूज्य देवता होते हैं वो गणेश हैं. तो उसी हिसाब से साधना करनी चाहिए. मेरा क्या सिद्धांत है, पहले सूर्य जी, सूर्य भगवान और गणेश जी एक साथ, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ. तो उसके बाद मैं लेता हूँ माता रानी को, बगलामुखी. बगलामुखी के बाद मैं शिव शंकर जी के कोई भी, जैसे शंकर जी के हनुमान जी, रुद्र अवतार, क्रोध अवतार, भैरव बाबा और खुद शंकर जी, ये तीनों एक साथ. तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान एक साथ. इस तरह से मैं आगे चलता जाता हूँ. तो ये मेरी प्रथम वो रहती है और प्रथम सीढ़ी रहती है. किसी भी चीज़ में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. जो मार्ग हैं इसमें कई तरीके के हैं, और जो प्रथम मैं मार्ग मानता हूँ वो भक्ति मार्ग है. भक्ति मार्ग वो सबसे उत्तम है. ओम नम नम चंडा चम 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 नम चंडा. माँ भवानी जगदम्बे मातेश्वरी तेरा ही आश्रम आई. सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूत स्थानासि गुणासि या देवी सर्वभूते तमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य सर्व मंगल मांगल्य सर्वेश्वर वाद साधक शरण नेत्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. सर्व बाधा विघ्न मुक्तो धन धन सदन मनस्तु मत प्रसाद भविष्यति नश्यंश. जय माँ भवानी जगदम्बा मातेश्वरी. सर्व जगत की रक्षा कर, सब लोगों का भला कर माँ, सबके कल्याण में अपने आप हमारा कल्याण होगा. जय हो माई भूत जो जय माँ. ओम ढीम बगला मुख सरुष्टाम बाचम मुखम. चल भाई माई बगला आजा माई. जय ओम ढीम बगला मुख सरुष्टाम बाचम मुखम पता सुन चिम्बा के. ओम ढीम बगला मुख. अव हो आ गई मैया. जय हो, क्या बात है. ओम ढीम बगला मुख सरुष्टाम बाचम मुखम चिम्बा के. ओम ढीम बगला मुख. जय हो जय हो जय हो माई जय हो जय हो. हाँ हाँ गुस्सा मत कर. जय हो माई. ओम ढीम बगला मुख सरुष्टाम बाचम मुखम चिम्बा के. ओम ढीम बगला मुख सरुष्टाम बाचम मुखम चिम्बा के. दोस्तों, एक चीज और है कि भक्ति मार्ग जो प्रथम सबसे सुलभ और गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम मार्ग है. दूसरा जो मार्ग आता है आप जानते हैं वो है तंत्र मार्ग. ठीक है सर, उसमें तंत्र और क्रियाएं हैं. ठीक है सर, दोनों मार्ग होते हैं. एक होता है केवल क्रिया मार्ग जिसमें हर व्यक्ति सफल नहीं होता है. एक होता है हठ योग मार्ग जो तंत्र और हठ योग मिलकर के बनता है, जो कि सबसे कठिन होता है. लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए लगता है कि इसमें शरीर को मजबूत होने का मौका मिलता है. जैसे कि मैंने आपको ये छोटी छोटी क्लिप डाली, जैसे मैं एक घंटे अगर सूर्यनारायण की पूजा करता हूँ तो एक घंटे की क्लिप तो आपके लिए डालना संभव नहीं है, लेकिन लास्ट की क्लिप मैं डाल दिया करता हूँ हमेशा. मेरा थोड़ा सा आप लोगों को बताने का ये मतलब रहता है, मेरा मतलब ये नहीं रहता कि आपको मैं दिखाऊं कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए. पूजा मतलब एक क्या वो तरीका होना चाहिए. जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आप पक्के श्योर होने चाहिए कि हम सही कर रहे हैं. और आपका अगर विश्वास होगा उस क्रिया की तरफ, उस देवता की तरफ, तो सफलता 100% है. लक्ष्मी के कई प्रकार के मंत्र हैं, लक्ष्मी के बहुत प्रकार के मंत्र हैं, और सबसे मतलब जो सौम्य और अच्छे मंत्रों में, जो तेज मंत्रों में जो आते हैं वो 5-6 मंत्र आते हैं करीब करीब. वो सब मंत्र छोटे हैं. ठीक है,
और मैं उसका मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र को अमूमन लक्ष्मी का हर साधक कर चुका होता है, जो जिसने भी लक्ष्मी की आराधना या साधना की होती है या जो लक्ष्मी माता को ज़्यादा वो करते हैं मानते हैं। और ये मंत्र हर जगह मिलता है आपको, हर किताब में होता है, श्री लक्ष्मी मंत्र, ठीक है। मगर विधान पूर्ण नहीं होता तो विधान में थोड़ा सा आपको छोटा सा बता देता हूँ। इस मंत्र से पहले आपको भगवान विष्णु और गणेश दोनों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके ये मंत्र सफल होगा। कुछ लोग इसी मंत्र का बता देते हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान दे देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पहले गणेश जी, फिर भगवान विष्णु और फिर लक्ष्मी जी। पहले गणेश जी का मंत्र करना है आपको, ओम सिद्ध गणेशाय नमः, ओम सिद्ध गणेशाय नमः, एक माला। ये दीपावली का स्पेशल विधान है, उसके बाद आप चाहे जितना कर सकते हैं इस मंत्र को, लेकिन उस दिन ये मंत्र स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विष्णु का मंत्र, ओम नमो विष्णवे सुरपते महाबलाय स्वाहा, ओम नमो विष्णवे सुरपते महाबलाय स्वाहा, ठीक है सर। दूसरा ये हो गया। तीसरा मंत्र लक्ष्मी का जो मूल मंत्र है जो आता है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ठीक है सर, ये मंत्र है। इस मंत्र की गणेश जी का एक माला, विष्णु जी का एक माला, इस मंत्र की 31 माला कम से कम दीपावली की रात्रि को करें। और एक नारियल सामने रख लें पानी वाला, मतलब वैसा बड़ा वाला हरा वाला पानी का नहीं, वो छोटा वाला जूट वाला आता है वो वाला पानी वाला नारियल, लाल कपड़े के ऊपर रख लें पूजा स्थल में, जब आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं उस जगह पर। और बाद में उस पर एक रोली का टीका लगाएं, उसको उसके ऊपर नारियल के ऊपर थोड़ी सी खील चढ़ाएं, कपड़े में ही रहना चाहिए, ये कपड़े के अंदर ही, उसको किसी जगह हटाना नहीं है। और 1 रुपया उसमें दक्षिणा रखें, 1 उसमें हल्दी की गांठ रखें और उसमें फूल चढ़ाएं, ठीक है सर, चढ़ा करके उसकी सेवा करके उसके सामने बैठ करके आपको ये प्रयोग करना है। करने के बाद जब पूरा प्रयोग हो जाए तो उस दिन तो उसको रखे रहने देना है सुबह तक, ठीक है। उस सुबह ये चेक करना है उसमें से क्या क्या चीज़ गायब होती है, हल्दी की गांठ गायब होती है, क्योंकि मैंने अमूमन जी प्रयोग बताए हैं तो उसमें से 1-2 चीज़ गायब जरूर मिली है, भले कितना भी सेफ्टी से रख दो। तो फिर उसको आज सुबह उठ करके आप जब भी उठें उस कपड़े को बांध लें, नारियल को यूँ की यूँ ही, सारी सामग्री यूँ ही पड़ी रहने, तो यूँ की यूँ कपड़े को बांध लें, जो बाहर हो उसको अंदर डालना नहीं है, जो अंदर हो उसको यूँ की यूँ कपड़े में बांध लेना, नारियल में, नारियल समेत, रुपया सिक्का खील वगैरह जो भी है, और लेकर के उसको किसी ऊँचे स्थान में, शुद्ध स्थान में, या अपनी अलमारी में जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख देना है, ठीक है सर। फिर रोज या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो 21 माला करनी पड़ेगी, और रोज़ करेंगे तो 1 माला करनी पड़ेगी। तो आप देख लें, रोज़ या किसी भी पूर्णिमा को 21 माला करके और उसको निकाल करके उसको टीका लगाएं, ऊपर से कपड़े को बधे बधे ऊपर टीका लगाएं रोली का, और उसको मतलब चावल से पूजन कर दें, बस हो गया, उसको रखे रहने दें। इसका प्रभाव आपको अगले साल तक दिख जाएगा कन्फर्म, ये प्रभाव बहुतों ने किया है, ये प्रयोग बहुतों ने किया है, तो इसका प्रभाव दिख जाएगा आपको, ठीक है सर। तो इसको आप करिए और मुझे बताइए। जय माँ भवानी, जय जगदम्बा, जय माता रानी की।